हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग यार? चैनल सब्सक्राइब कर दो ना यार, कर दो ना। सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो और बेल नोटिफिकेशन पे दबा दबा के दबा दो। ज़्यादा हो गया। खैर, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो, आज हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। आज बिल्कुल फ्री है, जुम्मे का दिन था, आज अपना ऑफ था बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो असद देखो, असद नीचे बैठा हुआ है, चौकीदारी कर रहा है, क्योंकि घर पे कोई नहीं है। सब घर से चले गए पिकनिक मनाने के लिए और मैं कहीं और गया हुआ था। अभी आया तो पता चला कि वो लोग घर से चले गए। अब मैं दिखाता हूँ, वो देखो पतंग उड़ रहा है। तो हमारे पास करने के लोग कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोग को थोड़ा सा टेरेस दिखा दूं कि ये हमारा टेरेस है। ये एक्चुअली में ये हमारा बैठक बोलते हैं ना, वो है जैसे कि सेकंड हाउस। यहाँ पे मेहमान वगैरह आते हैं ना, तो यहाँ पे नीचे वो लोग स्टे करते हैं। आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा कि नीचे हमारी जो जगह है ना, वहाँ पे हम वीडियोस बनाते हैं, वहाँ पे मेहमान वगैरह के लिए जगह। ये ऊपर टेरेस है, यहाँ पे हम कभी कभी पतंग उड़ाते हैं। अभी देखो कोई आया ऊपर, और ये देखो कौन आया। चौकीदारी कर ली भाई, कर ली, अच्छी बात है। खैर, ये देखो ऊपर कितने पतंग उड़ रहे। वो ऊपर देखो, वो देखो, और वो सामने देखो एक बंदा देख रहा। असद, मैं तो कह रहा हूँ पतंग उड़ा दो। ये तीन पतंग उड़े आसमान पे, इसको ज़रा हल्लास कर दो तो थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। वैसे हम फ्री है, कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैं तो चाहता हूँ कि आप पतंग उड़ा दो और हम आपका तमाशा देखेंगे। तो हाँ, मांझा भी नहीं है। वो देखो कहाँ पर चढ़ा हुआ। ये देखो, अगर यहाँ से गिर गया ना तो इसकी बत्ती गुल हो जाएगी। खैर, अभी असद जा रहे हैं, वो पतंग मांझा लेकर आएगा। पतंग एक हमें मिल गया था, पता है कहाँ पे? जहाँ पे हम बाइकें वगैरह खड़ी करते हैं ना, वहाँ पर जो है ना ऊपर से चादर हटी हुई थी, उसमें पतंग यूँ लटक रहा था। मैंने इसको जल्दी बुलाया, ये जल्दी जल्दी आया। मैंने बोला ये देखो अपना तो लॉटरी लग गई है। पतंग वैसे बहुत सारे पड़े हुए, देखो पतंग ले आया। थोड़ा सा मांझा है, अभी उड़ाएंगे, मज़ा आएगा। कीप वॉचिंग और एंड तक देखना वीडियो। लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करना। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया यार, इसी तरह रिस्पॉन्स दिया करो, आपका भाई बहुत खुश होगा। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, दबा दो एक दफ़ा। ठीक है, एक दफ़ा नहीं, हज़ार दफ़ा दबा दो। पतंग हमारी आसमान में है, आसमान को छू रही है कि हमारा किससे मुकाबला होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हारिस आज अकेले व्लॉग क्यों बना रहे। आरिफ, शाज़ेब तो वो अपने घर पर है। आरिफ तो घर पर है, शाज़ेब का पता नहीं शाज़ेब कहाँ पर है। साकिब, साहिल, हसनैन, अबूरेरा, ये लोग गए हुए फैमिली के साथ पोर्टग्रेन। हम कल गए थे, आज उनकी बारी है। हमने उनको बताया कि वहाँ चले जाए, वो अच्छी जगह है। क्या वो आ रहा है? ठीक है, एक पतंग जो है ना वो, ये देखो पतंग आ रहा है, लड़ाने के लिए आ रहा है। वो डर रहा है, असल में डर गया। अरे तो डर गया। तो वो लोग वहाँ चले गए फैमिली के साथ, तो मैं और असद और घर पर है बिल्कुल, घर पे और तो कोई है नहीं। अबू है घर पर है शायद, वो कहीं चले गए नहीं पता मुझे। हमने एक छोटा सा कारनामा किया, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाहता। अगर वो मैंने बता दिया तो फिर हमारी घर में खैर नहीं होगी। तो बहरहाल वीडियो एंजॉय करना। अब ये जो है ना, ये पतंग वाला डर रहा है हमसे, ये आ नहीं रहा, हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, तो जो मैंने पोर्टग्रेन वाली वीडियो अपलोड की थी ना, उसमें ज़्यादातर मुझे दोस्तों ने मैसेज किया कि उसमें वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो भाई देखो, साफ बात है, मेरे पास है रेडमी का मोबाइल, उसका कैमरा कुछ ख़ास नहीं है। ठीक है,
और दूसरा ये कि उस टाइम मैंने माइक भी नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं लगाया था बिल्कुल। मैं असद एक और पतंग वो देखो उस साइड पे, ब्लैक ब्लैक कलर का घर के उस साइड पर है, मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है। अभी जब इस साइड पे होगा ना मैं दिखाता हूँ आप लोग को भी। वो देखो ब्लैक कलर का, दोबारा छूट गया। बहरहाल मैं क्या कह रहा था आप लोग को, मैं ये कह रहा था ना आप लोगों को कि मैं क्या कह रहा था एक्चुअली में, हाँ वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, एक अंधेरा था, लाइटनिंग थी लेकिन मेरा मोबाइल में नाइट जो सेटिंग वगैरह थी ना वीडियो की इतनी बेस्ट नहीं है, तो इसलिए उस वीडियो में आप लोगों को वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही थी। तो आप लोग उस वीडियो के लिए मैं आप लोगों से माजरत करना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले जो वीडियोस आएगी ना वो बहुत से ज़्यादा बहुत अच्छी होगी, बहुत से बहुत अच्छी होगी। उसकी वजह ये है कि अब उसमें थोड़ा सा सरप्राइज़ है, वो उसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा अच्छी वाली, तो उसके लिए स्टे ट्यून, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन, अगर उसके लिए ट्यून रहना है तो आपको बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करनी होगी। ये बंदा आ गया, नीचे आ गया, अब लड़ाई स्टार्ट होने वाली है एकदम से मस्त। यार नीचे आ जाओ ना यार, ये मैं जब भी वीडियो ऊपर करता हूँ ये ऊपर भाग जाता है। ये लाल वाला डर रहा है, ये डर गया। अच्छा एक और चीज़ है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना इसको मैं करता हूँ 4K रेजोल्यूशन पे, ठीक है। रेजोल्यूशन होता है या रेजोल्यूशन होता है ठीक है, थैंक यू। तो उसमें ये सीन होता है ना कि जब वीडियो बनती है 4K रेजोल्यूशन पे, उसको जब मैं एडिटिंग के लिए, मैं मोबाइल में एडिटिंग करता हूँ, काइंड मास्टर यूज़ करता हूँ, उस पर मेरा हाथ बिल्कुल साफ़ हुआ हुआ है, ऐसा साफ़ हुआ हुआ है कि ना सारी सेटिंग मुझे पता है। तो जब मैं उसको उसमें ऐड करता हूँ ठीक है, और वहाँ से उसकी एडिटिंग करता हूँ, क्लिप्स वगैरह एक साइड लगाता हूँ, जोड़ता हूँ, साउंड लगाता हूँ, म्यूज़िक लगाता हूँ, वॉइस की क्वालिटी बेहतर करता हूँ, और जब रेडी हो जाती है वीडियो उसको जब मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ मतलब एक्सपोर्ट करता हूँ तो उसकी ऑलरेडी पिक्सल ख़राब कर देता है। चलो पतंग आगे फाइट करने के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीन मैं नहीं मिस करना चाहता। ये आ गया यार, ये भाग जाता है जब भी मैं वीडियो ऊपर करता हूँ ना, इसको पता लग जाता है क्या सीन। एक और पतंग आ चुका है यहाँ पर, ये देखो ये बिल्कुल करीब है, ये इस घर से उड़ा है। तो दोस्तों पीछे से एक और पतंग उड़ी, ये बच्चे उड़ा रहे ठीक है। तो इन्होंने पहले से ही हमें वार्निंग दे दी थी कि भाई हमसे नहीं लड़ाना क्योंकि हमारे पास सिर्फ सद्दी है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अब और पतंग तो आ ही नहीं रहे, सब डर रहे हमसे, तो इसलिए जो है ना कुछ नहीं कर सकते हम। असद भी थक गया बेचारा। अच्छा अभी हमने एक मुर्गा देख लिया, ये देखिए ये बलून्स उड़ रहे हैं ना, अभी यहाँ से जो है ना हम इसके ऊपर सीधा जाएंगे, एक मस्त वाली खिंचाई मारेंगे, देखते ना ये गया या नहीं। ये मारा 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 ये साथ में आ गए, ये देखे बलून हमारी पतंग के साथ आ गए, ये देखो। अरे यार बेचारों का नुकसान कर दिया। असद नीचे ले आ, ले आ, ले आ, उतार दे उतार दे। अबे अबे वो लोग भी खींच रहे, वो लोग भी खींच रहे। अरे 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 आ गई। अच्छा हमें पतंग नहीं मिल रही थी, हमने बलून्स काट दिए, अब पता नहीं किस बेचारे कहते ये। ये देखो 3 बलून्स आ गए, छोटे छोटे गुब्बारे बोलते ना इसको। ये जिसके भी थे ना चले गए, वो ऊपर देखे वो। बहरहाल अब इस बंदे को देखो, ये देखो अगर यहाँ से गिर गया ना तो क्या होगा। देखो मैं भी चिल्लाऊंगा ना, ये नीचे उतर जाएगा। ओए नीचे उतर गया। मैंने बोला नहीं था मैं एक चीख मारूंगा ये उतर जाएगा, उतर गया ना। एक्चुअली मैं ये अपने रिश्तेदार वगैरह ना, इनको हमने बहुत दफ़ा समझाया कि भाई यार ऊपर दीवार पे नहीं चढ़ा करो गिर जाओगे, लेकिन ये समझते नहीं है फिर भी। तो अभी हो रहा है अंधेरा, हम भी पतंग वगैरह उतार देते क्योंकि हमसे फाइट करने वाला कोई है ही नहीं, अभी ऐसा बंदा पैदा ही नहीं हुआ ना इसलिए पतंगबाजी में ठीक है। तो इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इंटरटेनमेंट भी हुई होगी काफ़ी ज़्यादा। अभी हमारा टाइम है जिम जाने का,
मैं साकिब तो है नहीं, असद और मैं ही जाएंगे जिम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे न्यू चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करो ना, कसम खुदा कि मैं ये पाइप नहीं उठा के मारूंगा, सब्सक्राइब कर लो ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, तब मज़ा आएगा। इस पतंग हमने हम ले आए, ये देखें ये किस बच्चे के साथ हमने जुल्म कर दिया यार, ये देखो अभी भी हवा में ही है, देखें थोड़ा तो ये देखो, ये हमारी पतंग थी मस्त वाली। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।